नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आपका स्वागत है। वशिष्ठ योग आश्रम का एक ही मकसद है कि जो सनातन योग की धारा है उसको वास्तविक स्वरूप में हूबहू बिना अपना कुछ भी मिलावट किए ऑर्गेनिक रूप में जन जन को घर घर में गली गली तक पहुंचा कि हमारी स्पाइन में 95% से ज्यादा आराम है। और फिर उन्होंने खुद दे कहा कि मैं फोटो भेज रहा हूं, बीमार होने का फोटो और बीमारी से ठीक होने के बाद का फोटो, दोनों फोटो भेज रहा हूं। तो ये फोटो पहले भी आपने देखा जो उन्होंने दोबारा भेजा है मुझे यहां पर कि स्पाइन टेढ़ी थी। और अब आप इस स्पाइन के अंतर को देखिए जरा नजदीक जाकर, आपको यकीन नहीं होगा कि सेम स्पाइन है। ये देखिए कि स्पाइन और ये फिर स्पाइन पूरा, बाकी आप देख रहे हैं स्पाइन की लाइन जो टेढ़ी थी वो कैसे यहाँ पे सीधी दिख रही है। जूम करेंगे और थोड़ा तो आपको दिखेगा कि ये स्पाइन एकदम से अभी सीधा दिख रहा है। और यहाँ देखिए स्पाइन कैसा टेढ़ा आड़ा, मांसपेशियों का स्ट्रक्चर भी कितना विकृत जैसा दिख रहा है। सामने से राजेश जी कैसे दिखते हैं वो भी आप देख लीजिए। मुझे 85% आराम 8 से 10 दिनों में मिला। जब ये बीमारी हो गई थी उस समय न मुझे बैठा जाता था न उठ खड़ा होना होता था, हर प्रकार से न बाथरूम जा सकता था किसी भी प्रकार का, न सो सकता था। लेकिन गुरुजी के निर्देशों बताए गए आसनों को मैंने भली भांति करने की कोशिश की और उसका फायदा मुझे मिला। कितना एंजाइटी था मेरे को पहले से पता था, मैं जैसे ही खड़ा होगा मैं बैक साइड गिर जाऊंगा। मैं अपना बाथरूम में मतलब बाथरूम फर्स्ट डे जैसे आया बाथरूम में चौकी लेके आया कि मतलब कहीं पैर फिसल ना जाए, हमेशा डर रहता था वो मेरी चौकी ऐसे के ऐसे फर्स्ट डे से रखी। योग गुरु धीरज स्पिरिचुअल क्लब में उस साधिका ने फोटो से शेयर किया है। ये देखिए फोटो, ये पहले की समस्या है। यहाँ आप देख रहे हैं हड्डी एक उभार लेता हुआ ये एरिया देखिए, ये हड्डी का उभार है जो गायब हो गया है। यहाँ अब कोई उभार नहीं है, समतल हो गया, फ्लैट हो गया है। अब इसके लिए डॉक्टर ने कहा था कि सर्जरी कराओ, हड्डी बढ़ गई है, काट के हटाना पड़ेगा। और ये किनका है तो नूर हुसैन जी का। इन्होंने लिखा है कि आफ्टर डूइंग ओनली 15 डे ऑनलाइन योगा क्लासेस बाय वशिष्ठ योगा आश्रम माई बोन इज रिपेयर्ड। टीचर ट्रेनिंग कोर्स में आई, टीचर तो बनने का प्रश्न ही नहीं था, व्हीलचेयर से खड़े होके चल सके इतना ही था प्रश्न। और वहां से यात्रा शुरू हुई, उन्होंने जिस तरह से सिखाना शुरू किया, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे आसन, एक एक चीज टुकड़े टुकड़े में ऐसे की कि हम कुछ करते हैं वैसा लगा ही नहीं। व्हील चेयर कब छूट गई वो पता भी ना चला, उसी क्षण ही छूट गई। हो गई सारी कोशिश तो आ गया, ये तुम सद गई है। गर्दन एकदम पीछे ले जाकर, हाँ गर्दन एकदम पीछे ले जाकर ऊपर देखना। 15 साल से अपने यार दोस्तों के साथ सिर्फ ड्रिंक करता था, नॉनवेज खाता था, बस यही मेरा रूटीन था। मैं 5 साल से कंटिन्यू जो ड्रिंक कर रहा था और सिर्फ 1 महीने में मैंने फर्स्ट जब अहमदाबाद में सीरीज ज्वाइन किया और 15 दिन में मेरे अंदर इतना बदलाव आया कि मैं आपके सामने जो आज हूँ, हो सकता है कि मेरी जिंदगी सिर्फ 4 या 5 साल की थी। यहाँ मैं जब से आई हूँ एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे नींद ना आई हो, एक दिन भी मैंने सप्लीमेंट नहीं लिया, एक दिन मैंने किसी फ्रेंड को फोन भी नहीं किया, सिर्फ पूरा दिन गुरुजी के शरण में योगा किया है, सही मार्गदर्शन लिया है, जो भी उन्होंने प्राणायाम बताए, योग का सही अर्थ बताया तो उसको मैंने फॉलो किया। और 12 दिन में ही इतना चेंज, जिस अकेलेपन से मैं डर रही थी, डिप्रेशन में चली गई थी, सो नहीं पा रही थी, वो सब 12 दिन में दूर हो गया। तो हम इतने डिपेंड हो गए हैं सप्लीमेंट्स पे या इन चीज़ों पे या मिथ्या आवरण में। सही मार्गदर्शन गुरु जी आपने
मुझे दिया है और अब शायद मैं जाके जो मेरा बिखर चुका है, जो मेरा बेबी मुझसे दूर हो गया है, वो शायद मेरे पास वापस आ जाए।
सांस छोड़ते जाएं। शवासन में बेसिकली आपको जहाँ पे भी प्रॉब्लम है अपने बॉडी में उस पार्ट पे फोकस करना है और पुलिस भेजनी है वहाँ पे। तो मैंने आपकी वो बात लिटरली ले ली, बहुत ही सीरियसली ले ली और रात को मैंने वो चीज़ ट्राई करी। मैंने पूरा फोकस लगाया, मतलब कि मेरा जिस पार्ट में ये एलर्जी है उस पार्ट में मैं पूरा फोकस करके बस मैं उसको देख रहा था, मतलब और मैं ऐसा सोच रहा था कि मैं पुलिस को भेज रहा हूँ। मैं मतलब एक तरह से मैं वाइब्रेशंस भेज रहा हूँ। और नेक्स्ट मॉर्निंग मैं उठा तो 50% तक ठीक था, मतलब पैचेस बनने भी स्टार्ट हो गए थे, रेड कलर के डार्क कलर के ऐसे पैचेस बनने भी स्टार्ट हो गए थे मेरी स्किन पे, तो वो भी 50% तक ठीक थे और मेरी इचिंग भी 50% तक मेरे को आराम था। पिक्चर्स में देखती थी अरे ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन यहाँ आकर वो आसन भी मैंने यहाँ पे किए और कुछ आसन ऐसे हैं जो कि आगे भी मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मैं एक्चुअली योगा के लिए क्रेजी हूँ, तो मैं 6 महीने से योगा करती थी पर मैं हमेशा मेरे टीचर्स को परेशान करती कि फॉरवर्ड बैंड कैसे होगा वो नहीं रहा, तो बोलते प्रैक्टिस से हो जाएगा पर फॉरवर्ड बैंडिंग में मेरा स्पाइन ऐसे स्टिफ रहता, पर इधर 3 दिन मैंने सिर्फ प्रैक्टिस किया और ऐसे आई डोंट नो हाउ मेरा पूरा स्पाइन ओपन हो गया, तो मुझे सिर्फ मिरेकल जैसे लग रहा था कि पता नहीं कैसे हो गया। रास्ते भी पाया। जैसे गिरीश भाई ने बोला कि ये हमारा अंतिम है, मैंने भी बहुत योग किए, बहुत मेडिटेशन सीखे, बहुत मैं इंटरेस्टेड थी तो सब्जेक्ट, पर ये मुझे लगा कि मेरा आखिरी पड़ाव है। बहुत 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 मैं खुश हूँ और बहुत कुछ लेके जा रहा हूँ, बहुत खुश हूँ। और गुरुजी के लिए तो कुछ भी कहना, मतलब सूरज को दिया दिखाने की तरह हम मुझे यहाँ मिली, अब मुझे कहीं मतलब परिपूर्ण अपने आप को फील कर रही हूँ कि अब मुझे वो किसी की जरूरत नहीं। हम लोगों ने जहाँ पर भी जिस भी के सानिध्य में सीखा जैसा सीखा, मैं उनकी बुराई नहीं करना चाह रहा, उन्होंने भी कहीं से सीखा होगा तभी वैसा सिखाया होगा, लेकिन कोई हमें शंका नहीं है कि यहाँ का कोई कंपैरिजन हम नहीं कर सकते। अपने सुख को खोने आकर ये सुख दुख का रोना कैसा ये रुक रुक कर बढ़। जैसे उन्होंने बोला कि रत्न मिल गए हैं, ये वही वाली बात है पूरी लेकिन कि रत्न मिल गए हैं, मतलब मेरे लिए तो नीलम से भी ज़्यादा करें कहीं पर वहाँ पर सब जगह पर ऐसा हो जाता है, यही एक तरीका है, दिस इज द ओनली वे। बट ही सेड कपड़े का स्टाइल अलग अलग हो सकता है, आप कपड़े में मिलावट मत करो, पर उसका जैसे जैसे आगे बढ़ता गया क्लास तो समझ में आया कि वो शायद 4 महीने में भी जो नहीं किया था वो 15 दिन में ही उससे कहीं ज्यादा हासिल हुआ है। ऐसा नहीं कि लोग आए हुए हैं भीड़ में चलता क्लास नहीं, एक एक पे इंडिविजुअल अटेंशन। दूसरी चीज कि मैंने बहुत सारे योगा टीचर्स देखे हैं लेकिन एक सच्चा योगी शायद मैंने पहली बार देखा। देखो ये इतना हाई क्वालिटी योगा
पूरे दुनिया में बहुत कम जगह मिलेगा। ये तो मैं बस वही एक मेरी शुभेच्छा है कि आप सबका मंगल हो, सब तेरा मंगल हो, सबका मंगल हो। गुरु जी आप धर्म योग सिखाया है तो उसका भी आपका।